हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अब FIIs हमें एक तरीके से बेवकूफ़ बना के मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा के निकल सकते हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर गेम प्लान करते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे उनका गेम प्लान। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन ऑन करिए, एज वेल एज नीचे नितेश कुमार के नाम से एक और चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्विटर पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करिए ताकि आपको वहां पर से भी नॉलेज मिल सके। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे FIIs। आपको पता ही है, FIIs, FPIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो गए, ये सारे के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बल्क में पैसा लेके अपने कंट्रीज का जैसे हम यहाँ पर DIIs हो गए, तो DIIs क्या करते हैं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स होते हैं मोस्टली, और जो बड़े बड़े जो सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन्हें अपना पैसा दे देते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड और वो मार्केट में पैसा लगाते हैं, और जिसके कारण मार्केट यहाँ पर जब एक साथ पैसा आएगा किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में या फिर मार्केट में, तो मार्केट जैसे ऊपर जाती है या एक साथ पैसा निकलता है तो मार्केट नीचे आती है, इसी तरीके से FIIs भी एक मेन रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्रीज में वो जाते हैं और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके तो हुआ क्या है, आपने देखा था कि किस तरीके से मार्केट पहले कोविड में एक साथ ऊपर गई, क्यों, क्योंकि उनका फंड आया था, उनका फंड कोविड के बाद लगातार यहाँ पर आता जा रहा था, और तो मार्केट यहाँ पर लगातार हर एक स्टॉक्स चाहे छोटा हो बड़ा हो साथ में ऑपरेटर्स मिलके छोटे छोटे स्टॉक्स को जो बेकार स्टॉक्स है उन्हें भी साथ साथ यहाँ पर मूव कर रहे थे। तो यहाँ पर छोटे स्टॉक्स तो मूव हो रहे थे वो ऑपरेटर्स की वजह से हो रहे थे, चाहे वो ऑपरेटर्स फॉरेन का हो या यहाँ का हो, बट बात करें अच्छे अच्छे स्टॉक्स की भी तो मार्केट में वो भी स्टॉक्स 300-400% के रिटर्न, 200% के रिटर्न, 100% के रिटर्न, इस तरीके से यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हुए नजर आ रहे थे और शेयर लगातार ऊपर जा रहे थे। बट एक ऐसा टाइम भी आया जब यहाँ पर मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ गई और उन्होंने यहाँ पर से पैसा निकालना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने यहाँ से पैसा निकालना शुरू किया तो आपको पता होगी कि हम लोग तो यहाँ पर सोच रहे थे कि मार्केट और ऊपर जाएगी, यहाँ पर अभी रुकी नहीं है, बट इन बातें तो हो रही थी 16,000 से ही, कि 16,000 जब मार्केट निफ्टी आया था उसके इसमें ही बातें शुरू हो गई थी कि हाँ मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, तो इसके बाद भी वो मार्केट को लगातार खींच के ले गए और 18,500 तक वो मार्केट को यहाँ पर लगातार खींचते हुए लेके गए। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि मार्केट लगातार ऊपर तो गई बट साथ साथ रिट्रेस होके नीचे आ रही थी, जैसे ही नीचे आ रही थी रिट्रेस होके फिर ऊपर जा रही थी, तो इस केसेस में हमें लग रहा था कि शायद यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ऊपर जैसे यहाँ पर नीचे अभी बॉटम बना था, ऊपर अभी हाई बना नहीं है और हाई बनने के बाद अभी और भी हाई बनता हुआ नजर आएगा तो हम यहाँ पर पैसे नहीं निकाल पाए। बट बात करें FIIs की तो FIIs ने लगातार यहाँ पर सेलिंग करी, एक साथ यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाता था मार्केट, ऊपर बेच देते थे, नीचे मार्केट चला जाता था, लोग यहाँ पर DIIs भी थोड़े से डर जाते थे, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स में यहाँ पर खौफ पैदा हो गया था, वो भी यहाँ पर बेच देते थे, एज वेल एज फिर वो थोड़ा सा ऊपर ले जाते थे, फिर ऊपर भी यहाँ पर माल बेचते थे, इस तरीके से करते करते उन्होंने यहाँ पर एक अच्छा खासा पैसा मार्केट से निकाला और अब वो चाह रहे थे कि यहाँ मार्केट यहाँ पर इतनी ज़्यादा गिर जाएगी कि वो दोबारा उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, और जब वो ऊपर आएंगे दोबारा वो यहाँ पर बेचते हुए नजर आएंगे। बट काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे, बट इतना भी सक्सेसफुल नहीं रहे जितना यहाँ पर 2008 में होते हुए नजर आए थे, क्योंकि 2008 में ये हुआ था जब उन्होंने बेचा था तो सब जब लोगों को पता नहीं थी और ना ही रिटेल इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा थे कि यहाँ पर वो इसे संभाल सके, तो लगातार हुआ क्या कि यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरती हुई नजर आई। बट अभी हुआ क्या, मार्केट यहाँ पर गिरी, अच्छी खासी गिरी, बट यहाँ पर निफ्टी उस तरीके से नहीं गिर पाया, स्टॉक जरूर 50% 40% 60% 70% 80% तक यहाँ पर गिरे हैं, बट अगर हम बात करें निफ्टी उतना नहीं गिर पाया, 16,000 या 15,500 तक ही यहाँ पर आके रुक गया और एक बॉटम यहाँ पर इसने क्रिएट कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और धीरे मैंने हमेशा बताया जब भी कोई गिरावट होती है तो लगातार नीचे मार्केट नहीं आता, उसमें रिट्रेसमेंट होती है, उसे ऊपर ले जाते फिर नीचे लेके आते हैं, उसी तरीके से अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो लगातार ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी होगा, तो इसमें अब FIIs का प्लान क्या है, FIIs का प्लान ये हो सकता है कि वो यहाँ पर डराने की कोशिश करें, डराने की इन द सेंस क्योंकि उन्हें उस भाव पे यहाँ पर शेयर नहीं मिल पाए, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर थे DIIs थे वो ऑलरेडी यहाँ पर नीचे से ही माल यहाँ पर लगातार मार्केट गिर रही थी वो यहाँ पर खरीद रहे थे, तो अब उनकी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर
डराया जाए रिटेल इन्वेस्टर्स को, थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाए, ऊपर ले जाके फिर थोड़ा सा लोभ दिया जाए, वो वहां पर यहाँ पर खरीदते हुए नजर आए, और फिर जब नीचे मार्केट आए ओके यहाँ पर शेयर को यहाँ पर जब गिराया जाएगा तो वो यहाँ पर भर भर के लेके जाएंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ से निकल जाएंगे। और इस केस में क्या होगा, इस केस में आप तो यहाँ से निकल जाएंगे बट याद रखिए आप इस तरीके से पैसा नहीं बना पाएंगे, और यहाँ पर जब FIIs होंगे वो इसे पूरे के पूरे यहाँ पर माल को भर लेंगे, वो पूरे स्टॉक्स को खरीद लेंगे और फिर ऊपर जाके दोबारा बेचने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से ये होगा कि आप ऊपर के लेवल पे अटक जाएंगे अगेन, और यहाँ पर नीचे के लेवल पे आप नहीं खरीद पाएंगे, वो लोग यहाँ पर खरीद के निकल जाएंगे, खरीदेंगे फिर ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना है कि आपको यहाँ पर अपने स्टॉक्स को बेचना नहीं है, आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, थोड़ा सा पेशेंसली आपको वेट करना है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है अगर इंट्राडे के हिसाब से किया है तो वो एक अलग मैटर होता है ओके, क्योंकि वो पूरी ही पूरी कथा अलग हो गई, वो ट्रेडिंग वो हो गया, वो एक पाथ ही अलग हो गया। बट हम बात करें यहाँ पर इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग में जितना नीचे मार्केट आता है उतना यहाँ पर खरीदने का मौका होता है, क्योंकि याद रखिए पौधा जितना छोटा होगा और उसके बाद जब यहाँ पर बड़ा होगा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। जब आप नीचे के लेवल से लेंगे और जैसे ही शेयर ऊपर जाएगा तो उतना ही ज़्यादा आपका रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा। तो इस केस में याद रखिएगा कि मार्केट जब ऊपर जा रही है ओके यहाँ पर निकलिए मत, मार्केट नीचे आ रही है कोशिश करिए और ज्यादा यहाँ खरीदने की, बिल्कुल भी पैनिक मत मचाइए। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर दिखाया था, अपनी ताकत दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर FIIs लगातार बेच रहे थे, बट यहाँ पर आपके म्यूचुअल फंड के पैसों की वजह से या DIIs बड़े लोगों के पैसे की वजह से मार्केट वहीं स्टेबल रहा। बट अभी जब मार्केट ऊपर जा रहा है कोशिश मत करिए बेचने की, क्योंकि अगर देखें हम DIIs को, DIIs भी नहीं बेच रहे हैं, आज भी उन्होंने केवल 91 लाख रुपए का यहाँ माल बेचा है, और कल की बात करूँ कल उन्होंने FIIs के साथ में यहाँ पर बाइंग करी है तो वो भी यहाँ पर बेच नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट उन्हें बुक करना है तो वो कर रहे होंगे, बट स्टिल यहाँ पर वो लगातार वो भी साथ साथ खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट एक नया लेवल अचीव करेगी 18,500, तो यहाँ पर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं बट बात करें हमारे खुद के इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो याद रखिए वो नीचे आएंगे ओके, ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, और जहाँ पर हमें लगेगा कि हम यहाँ पर हमारा 5% का प्रॉफिट हो गया, हमारा 10% का प्रॉफिट हो गया, 5-10% के पीछे भागो ही मत। आप देखो कि यहाँ पर आपके पैसे 100% भी हो सकते हैं, 200% भी हो सकते हैं, और मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिल सकते हैं आपके स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि आपके पास एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ओके, और याद रखिए इसी तरीके से आपकी वेल्थ भी क्रिएट होगी, और जब मार्केट बहुत ज्यादा अपने यहाँ पर इस हाई को भी निकाल देगा और ज्यादा ऊपर चले जाएगा, जब आपको लगने लग जाएगा कि FIIs भी लगातार बेच रहे हैं, उस केसेस में यहाँ पर बेच के निकलेगा, फिर यहाँ पर मार्केट नीचे आएगी, फिर वही कहानी दोहराई जाएगी कि मार्केट लगातार नीचे आप शेयर आपको नीचे मिलेंगे, एक साथ पैसे डालिएगा फिर यहाँ पर खरीदिएगा फिर आपको उसी तरीके से रिटर्न मिलेगा। तो एक समझदारी भरा डिसीजन यही रहेगा कि अभी यहाँ पर बेचिए मत, लगातार ऊपर जाने दीजिए, आपके शेयर्स को प्रॉफिट में आने दीजिए, आपका लॉस कवर होने दीजिए ओके, लॉस कवर होने के बाद प्रॉफिट में भी आने दीजिए, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब यहाँ पर टॉप बन चुका है उस टाइम यहाँ पर बेचिए, थोड़ी बहुत क्वांटिटी कैश को रेज करिए, फिर नीचे आए मार्केट फिर दोबारा यहाँ पर शेयर को खरीदिए। इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बन पाएगा, एक बेहतरीन रिटर्न आपको मिल पाएंगे, और जो हम बात कर रहे हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल में एक वेल्थ क्रिएट हो वो आपकी वेल्थ क्रिएट कर पाएगी। तो इसी मिशन को लेके हम यहाँ पर चालू है, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से काम कर रहे हैं, एज वेल एज मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, अगर आप चाहे तो हमारे हमारा नंबर है आप हम इससे कांटेक्ट कर सकते हैं ओके, हम वहाँ पर बात कर लेंगे, और बात करके हमारा जो विजन है कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर अंदर जो हमें अच्छा पैसा कमाना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, और आप अगर टेस्ट भी करना चाहते हैं पीछे की बहुत सारी वीडियोज है जाके देखिए, उनसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम यहाँ पर सच बोल रहे हैं या हम यहाँ पर ऐसी ही बात कर रहे हैं। हमारे हर एक स्टॉक्स के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स या टेक्निकल उसमें इंक्लूड होते हैं ओके, टेक्निकल बेसिस पे शॉर्ट टर्म भी टारगेट बताए जाते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लॉन्ग टर्म टारगेट भी बताए जाते हैं कि किस तरीके से आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, चाहे तो आप हमें जुड़ सकते हैं, इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नितेश कुमार दूसरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो करिएगा, जितना हो सके प्यार देने की कोशिश करिएगा ताकि इसी तरीके से हम भी आगे बढ़े और आप लोग भी यहाँ पर हमारी नॉलेज का फायदा ले सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।